यू से कॉन्ट्रोवर्सी इज नथिंग देन अ वेस्ट ऑफ टाइम। हे ये हबीबी कम टू यूट्यूब। तो भाई अपने भी जो दो चार सब्सक्राइबर्स हैं बोल रहे थे कि भाई यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे वीडियोस तू क्यों नहीं बना रहा है। बिकॉज़ भाई यार मैं नहीं बना सकता। ठीक, दोनों प्लेटफॉर्म्स में जो क्रिएटर हैं अपने जगह एकदम ही सही हैं, बल्कि यूट्यूबर्स बल्कि ज़्यादा क्रिंज हैं। कैसे? टिकटॉकर्स भाई जो ऑडियंस को सही लगेगा उनको अगर बेकार क्रिंज चीज़ें सही लगती है तो वो वही दिखाते हैं, पर यूट्यूबर्स क्रिंज दिखाएंगे टिकटॉकर्स का। ठीक है, वो खुद भी उससे ज़्यादा क्रिंज है। मैं एग्जांपल दे दूंगा, निश्चय मल्हान का ट्रिगर्ड इंसान भाई 5 साल के बच्चों वाली वीडियोस बनाता है, 30-35 साल का है, तो भाई वो क्रिंज हुआ कि टिकटॉकर्स? सेम ऑडियंस है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ कि पैसा कमाते हैं जिनको जो ऑडियंस जैसी वीडियोस देखनी चाहती है वही वो बनाते हैं। भाई सॉरी, टिकटॉकर्स के लिए क्रिंज वर्ड भी मेरा गलत है। एक्टिंग वालों को छोड़ जो कुछ भी करते हैं, बट भाई इनका देखो बाल में पानी भर दिया, ये सब होती है भाई क्रिंज। वो एक्टिंग करते हैं नहीं कर पाते, ऑडियंस है, ऑडियंस क्यों है, तुम नहीं बना सकते उतनी ऑडियंस। ठीक, एक टाइम पे जो ऑडियंस को अभी तुम बॉट बोल रहे हो वो रियल थी, जेन्यून थी। ठीक, अब बॉट हो गई। और भाई ट्रिगर्ड इंसान 15 मिलियन खुद लेके बैठा है बच्चों वाली ऑडियंस, और दूसरों को देख रहे हो कि भाई वो क्रिंज है, उसकी बॉट है, ये वो। भाई जो भी है सही है, अपन नहीं कर सकते रोस्ट, जो अपने जगह है वो सही है, जो करेंगे भाई सभी पैसा कमा रहे हैं। बाकी भाई इंडिया में ये कॉन्ट्रोवर्सीज तो बहुत सबको मजा आता है भाई, सभी देखना चाहते हैं। बट ये वीडियो बनाने में मुझे पता लगा कि भाई अदर कंट्रीज मतलब विदेशियों को और मजा आता है इन चीजों में। ये तो मैंने इस वीडियो बनाते समय जाना, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे सब ज्यादा वीडियोस तो विदेशियों ने बना रखी थी, इंडिया में तो कुछ भी नहीं बना था। तो भाई ये सब्सक्राइब कर लो, अगर चाहोगे तो रोस्ट भी कर देंगे, बहुत ही तगड़ा ब्रूटली रोस्ट करूंगा यूट्यूबर्स को। टिकटॉकर्स भाई वो टिकटॉक है, ये है क्रिंज, सॉरी क्रिंज नहीं, मतलब जो भी है जो भी दिखाते हैं भाई वो उसी लिए ही बना है, वैसी वीडियोस के लिए ही। तो मैं उनको नहीं रोस्ट करता, यूट्यूबर को रोस्ट कर सकता हूँ। बोलो।